दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि ये रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप जो वर्ड देख रहे हैं रिडॉक्स, तो ये रिडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है रेड और दूसरा होता है ऑक्स। यहाँ पर रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो जाती है। Hence, redox reaction is defined as the reaction in which both reduction and oxidation happens simultaneously. मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं, तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से जब रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो इसका मतलब है कि रिडॉक्स रिएक्शन में दो हाफ रिएक्शंस होती हैं, जिसमें पहली हाफ रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी हाफ रिएक्शन होती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और अगर हम यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में सब्सटेंस इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है। तो अब आइए रिडॉक्स रिएक्शन को एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आप रिडॉक्स रिएक्शन के एक एग्जांपल को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एपीसीएल थ्री की रिएक्शन H2S से कराते हैं, तो यहाँ पर एपीसीएल टू सल्फर और HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम यहाँ पर एपीसीएल थ्री की बात करें, तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है। और अगर हम यहाँ पर एपीसीएल टू की बात करें, तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आयरन प्लस 3 से प्लस 2 में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर आयरन का रिडक्शन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 2 है। और अगर हम यहाँ पर सल्फर में देखें, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में सल्फर माइनस 2 से 0 में चेंज हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एपीसीएल 3 का रिडक्शन हो रहा है और H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब आइए इस रिडॉक्स रिएक्शन की ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर H2S इलेक्ट्रॉनों को लूज करके H+ और सल्फर का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर H2S इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है। और अगर हम यहाँ पर एपीसीएल 3 की बात करें, तो यहाँ पर एपीसीएल 3 दो इलेक्ट्रॉनों को गेन करके एपीसीएल 2 और Cl- का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब यहाँ पर एपीसीएल 3 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई है। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन की नेट रिएक्शन ले लें, तो यहाँ पर हमें ये नेट रिएक्शन मिल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हो गया। अब आइए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। द रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोस साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पर एक सब्सटेंस साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, तो उसी रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पर किसी एक सब्सटेंस का एक साथ ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उसी रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आप डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 की बात करें, तो यहाँ पर नाइट्रस एसिड किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है और किस तरह से रिड्यूस होता है, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर नाइट्रस एसिड के ऑक्सीडेशन की बात करें, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर HNO2 की बात करें, तो इसमें नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और अगर हम यहाँ पर HNO3 की बात करें, तो इसमें नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब यहाँ पर HNO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर HNO2 का रिडक्शन रिएक्शन की बात करें, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस रिएक्शन में नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हमने देखा कि HNO2
साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में रिडॉक्स रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में जाना, तो आइए उनको एक बार समराइज करते हैं। अगर हम यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो उसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, और अगर हम यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करें तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एक ही सब्सटेंस साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो तो उसी को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में अंतर होता है, तो यहाँ पर इनके बीच में अंतर यही होता है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और एक सब्सटेंस रिड्यूस होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।